आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक जो है अशुद्धियों के संशोधन से संबंधित। और यहाँ पर कक्षा 11वीं में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आपके मन में एक विचार आता होगा कि जो अशुद्धियाँ हैं वो अशुद्धियाँ हुई है तो आज तक तो हम यदि कुछ गलत लिखा जाता है तो उसे हम या तो काट के उसे हटा देते हैं या वो पन्ना ही हम उस कॉपी से हटा देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा करना न्यायिक दृष्टि से यह गलत है, और यदि हम काटा पीटी वहाँ पर करते हैं तो यह गंदा दिखाई देगा और इससे हमारे खातों की जो विश्वसनीयता होती है वो भी नहीं रह जाती। इसीलिए हम यहाँ खातों को शुद्ध करने के लिए जो अशुद्धि होती है, जो गलतियाँ होती है, उन्हें हम सुधार करते हैं और विधिवत सुधार करते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है, आपने सुना होगा कि यदि सुबह का भूला शाम तक घर लौट जाए तो वह भूला नहीं कहलाता। अर्थात भूल करना मानव स्वभाव है, भूल सभी से होती है और उन भूलों का सुधार करना ही अशुद्धियों का संशोधन कहलाता है। अशुद्धियाँ किस प्रकार की होती है उन पर हम चर्चा करेंगे, उनके प्रकारों पर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जो अशुद्धि है उन्हें हम तीन भागों में बांट सकते हैं। और पहला भाग देखिए, वही खाते की दृष्टि से अशुद्धियाँ होती है। दूसरा, उन्हें संशोधन करने की दृष्टि से अशुद्धियाँ होती है। और तलपत की दृष्टि से अशुद्धियाँ होती है। ऐसे तीन भागों में हमने उन्हें बांटा है। और तीनों में सबसे महत्वपूर्ण जो है परीक्षा में पूछा जाता अक्सर करके वह है वही खाते की दृष्टि से जो अशुद्धि होती है। इससे बिल्कुल थ्योरी का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वही खाते की दृष्टि से कितने प्रकार की अशुद्धियां होती है। तो वही खाते की दृष्टि से चार प्रकार की जो अशुद्धि हमने बोर्ड पर लिखा है वो चार प्रकार की अशुद्धि होती है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। और बिल्कुल आपको समझना है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है या क्वेश्चन ना पूछे तो इनसे एक विकल्प जरूर पूछता है। इससे संबंधित जो सवाल होंगे वो भी हम आपको कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये थ्योरी का पोर्शन समझना होगा कि जो अशुद्धियों के प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार से बांटे गए हैं, वही खाते की दृष्टि से, संशोधन की दृष्टि से और तलपट की दृष्टि से। देखिए, सबसे पहले वही खाते की दृष्टि से जो है भूल चूक की अशुद्धियाँ, जहाँ हम कोई व्यापारी लेखा करता है, लेखा करते समय ही वह लिखने से भूल जाता है, उससे कोई चूक हो जाती है, तो ऐसी दशा में यह भूल चूक की अशुद्धियां कहलाती है। अर्थात यदि आपने उन्हें लेखा पुस्तक में किया ही नहीं है तो उसका कहीं पे प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए खातों की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी। यदि आपने लिखना भूल गए हैं तो आप समझिए, आप जब आपने लिखना भूल गए हैं तो यहाँ पर आपको कोई परिणाम ही नहीं मिलेगा और आपके जो अंतिम परिणाम हैं वो गलत आ जाएंगे क्योंकि आपने उसे लिखा ही नहीं है। दूसरा, हिसाब की अशुद्धियाँ, जब आप हिसाब करते हो, हिसाब लेखा तो है आपके पास लेकिन जब आपने हिसाब किया है, हिसाब करते समय मान लीजिए 200 धन 300 और इसको आपने जोड़ के 600 लिख दिया है तो ये कैसी हो गई? अशुद्धि हो गई। होना था कितना? 500 रुपये। इस टाइप की जो अशुद्धियाँ आपने हिसाब करने में, कैलकुलेशन करने में, अर्थात जो गणनाएँ होती है गणना करने में या लिखने में कि किसी व्यापारी से आपने 255 रुपये लिए लेकिन आपने यहाँ पर 525 रुपये उसको लिख दिए, इस प्रकार यदि आपने लिख दिया है तो भी ये हिसाब की अशुद्धि के अंतर्गत आएगा। अर्थात आपने भूलवश उन वस्तु उन गणनाओं को आगे पीछे लिख दिया है, लिखने में आपने गलती किया है, इन्हें हम हिसाब की अशुद्धियां कहते हैं। अगला देखिए, आपके पास है सैद्धांतिक अशुद्धि, अर्थात जो सिद्धांत होते हैं डेबिट और क्रेडिट के जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों के आधार पर आपने लेखा नहीं किया पुस्तक में तो उससे भी आपकी अशुद्धि हो जाएगी। जैसे आपने आएगा पूंजीगत संपत्ति और दायित्व, अर्थात यदि कोई दायित्व है उसे आपने आय समझ के और लेखा कर दिया है, इस कंडीशन में क्या होगा? आपके जो खाते हैं वो गलत हो जाएंगे, जो फाइनल अकाउंट्स आप बनाएंगे उनमें डिफरेंस आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर भी वह वास्तविकता में पूंजीगत आयगत
इन व्ययों के कारण आपको समस्या हो जाएगी और अशुद्धि वहाँ पे सैद्धांतिक अशुद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार वही खाते में क्षतिपूरक अशुद्धि जो हमारे नियम होते हैं, जैसे व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र के खाते, जो नियम होते हैं, इन नियमों के आधार पर आपका लेखा नहीं किया गया। आपने क्या किए, मान लो किसी ने वस्तु को क्रय किया और उसमें भवन को क्रय किया, तो इस भवन को क्रय करने को आपने क्रय खाते में लिख दिया, तो समझिए आपने जो क्षतिपूरक अशुद्धि यहाँ पे क्यों मानी जाएगी, क्योंकि भवन एक स्थायी संपत्ति है और इस स्थायी संपत्ति का वहाँ पे नाम लिखना था, लेकिन आपने उसे क्रय वस्तु किस वस्तु समझ के उसको क्रय खाते में डाल दिया, तो खाते का योग तो आपका दूसरा जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा, तलपट बनाया जाएगा, वो तो सही मिल जाएगा, लेकिन यह क्षतिपूरक अशुद्धि कहलाएगी कि एक मद के कारण वही डेबिट पक्ष में ही या क्रेडिट पक्ष में ही उतनी ही रकम से दूसरी मद के नाम से आपने वह राशि लिख दी, तो आपको फ़र्क पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसी अशुद्धि को हम क्षतिपूरक अशुद्धि कहेंगे, जिससे क्षति की पूर्ति हो जा रही है, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पे हमने गलती किए हैं या नहीं किए हैं, कि भवन खाते में राशि जाना था लेकिन राशि कहाँ चली जाएगी, क्रय खाते में चली जाएगी। अर्थात वही खाते की दृष्टि से चार भागों में हमने बांटा है, भूल चूक की अशुद्धियाँ, हिसाब की अशुद्धियाँ, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ और क्षतिपूरक अशुद्धि, ये चार भाग में हमने बांटा है। अब देखते हैं हम संशोधन की दृष्टि से जो अशुद्धि है, इस अशुद्धि को हमने दो भागों में बांटा है, एक पक्षी अशुद्धि और द्विपक्षी अशुद्धि। जो संशोधन करने की दृष्टि से हम एक पक्षी और द्विपक्षी की बात करते हैं, सबसे पहले एक पक्षी अशुद्धि क्या होती है इस पर हम चर्चा करते हैं। जब खातों को हम योग करते हैं, अर्थात डेबिट और क्रेडिट दो भागों में बटा हुआ खाता होता है, उस खाते का जब हम योग करते हैं तो होता यह है कि एक कोई भी पक्ष में अशुद्धि दिखाई दे देती है हमको, या तो क्रेडिट पक्ष में या डेबिट पक्ष में, और वह अशुद्धि धोखेबाज, भूलवाज या गलत लिखने के कारण हो सकती है, तो उसे हम सुधार करेंगे, उसे हम एक पक्षी अशुद्धि कहेंगे, अर्थात एक ही पक्ष में अशुद्धि हुई है। द्विपक्षी अशुद्धि ऐसा है कि जो नकल वही में, जो मुख्य जर्नल में जो मदें लिखी जाती है, वो द्विपक्षी अशुद्धि या संशोधन करने के लिए की जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि जैसे हमने अभी आपको बताया था कि जो संपत्ति है, उस संपत्ति को हमने क्रय समझ लिया या विक्रय समझ लिया, और यह क्रय या विक्रय समझना यह आपके लिए अशुद्धि है, इसका संशोधन करना जरूरी है, तो दोनों पक्ष में जब अशुद्धि होगी तो वह द्विपक्षी अशुद्धि कहलाएगी। डेबिट पक्ष में भी अशुद्धि हो गई और क्रेडिट पक्ष में भी अशुद्धि हो गई, उसे हम द्विपक्षी अशुद्धि कहेंगे, और इसके लिए पंजी प्रविष्टि के माध्यम से इसका सुधार किया जाता है। अगला देखते हैं, तीसरा, हम तलपट की दृष्टि से जो अशुद्धि होती है, तो तलपट से जो प्रकट होने वाली अशुद्धि होती है, तलपट से प्रकट ना होने वाली अशुद्धि होती है, और तलपट बनाते समय प्रकट होने वाली अशुद्धि होती है, ये तीन प्रकार की यहाँ पे अशुद्धियाँ देखी जाती हैं। जब हम तलपट बनाते हैं तो तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धि, जब तलपट बनाया जाएगा, जैसे हमने इसके पिछले वीडियो में आपको तलपट बनाना सिखाया है, यदि आप तलपट बनाते हैं उस समय आपको जो अशुद्धियाँ समझ में आएगी, तो वो खातों में कम ज़्यादा लिखा जाना, दूसरे पक्षों में लिखा जाना, डेबिट मदों को क्रेडिट में लिखा जाना, क्रेडिट की मदों को डेबिट में लिखा जाना, उससे हमें अशुद्धि का पता चल जाएगा और तलपट का मिलान नहीं होगा, तब हम मिलाकर उन अशुद्धियों को देखेंगे। दूसरा, तलपट से प्रकट ना होने वाली अशुद्धि, कुछ मदें ऐसी होती है, वह मद आयगत को हम उसे पूंजीगत समझ लेते हैं और उसका लेखा कर देते हैं, ऐसी मदों से तलपट से प्रकट ना होने वाली हम उन्हें अशुद्धि कहेंगे, अर्थात तलपट पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तलपट का योग मिल आएगा लेकिन वह अशुद्धि हो जाएगी। तलपट बनाते समय प्रकट होने वाली अशुद्धि, जब हम तलपट बनाते हैं और तलपट का योग नहीं मिल पाता, इस कंडीशन में हम क्या काम करते हैं, जो मद जितना रुपए नहीं मिला उस कम राशि को हम उच्चंद खाते में लिख देते हैं, और इस प्रकार से जो तलपट बनाते समय प्रकट होने वाली अशुद्धि है उसे हम खोजते हैं, अर्थात तलपट बनाते समय जो अशुद्धि मिलती है वह तलपट बनाते समय प्रकट होने वाली अशुद्धि कहलाए। इस प्रकार से आप देखिए, तलपट की दृष्टि से तीन प्रकार की अशुद्धि हमने देखा, तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धि, तलपट से प्रकट न होने वाली अशुद्धि, तलपट बनाते समय अशुद्धि।
यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वही खाते की दृष्टि से जो अशुद्धियाँ होती है, ये चारों की बात की जाएगी। भूलचूक की अशुद्धि, हिसाब की अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि, ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और चारों को भली भांति आपको समझ लेना है। और यहाँ पर द्विपक्षीय अशुद्धि जो है, इस द्विपक्षीय अशुद्धि से संबंधित जो सवाल आते हैं वो परीक्षा में अक्सर करके पूछे जाते हैं, तो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे द्विपक्षीय अशुद्धि से संबंधित सवाल को कैसे हल किया जाए। आपको एक ही सवाल में बन जाएंगे, जो नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं जो भी आपको असुविधा हो। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करें जिससे उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।